गुड मॉर्निंग गाइस, सुषमा आर्ट जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज सुषमा आर्ट जंक्शन का पहला ब्लॉग बनने जा रहा है और आज की विजिट आपको मैं लेके जा रही हूँ मुंबई में जहांगीर आर्ट गैलरी में। तो पहले हम जहांगीर आर्ट जाएंगे और वहाँ पे खूबसूरत पेंटिंग्स देखेंगे। उसके बाद मैं आपको लेके जाने वाली हूँ जेजे स्कूल ऑफ आर्ट और वहाँ पर आपको मेरा कॉलेज दिखाऊंगी जहाँ से मैंने अपना एजुकेशन किया है पूरा ना। उसके बाद हम मार्केट में जाएंगे और कुछ शॉपिंग करेंगे। तो आज के ब्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है गाइस, तो मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिए। और मेरे साथ आज मेरा बेटा है अद्वैत भोसले गेमिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलो मत गाइस, कर देना सब्सक्राइब। और मेरी फ्रेंड सुवर्णा, जिनका खुद का सक्सेसफुल चैनल है सुवर्णा फेमस आर्ट, और वो मेरे साथ बने रहेगी। दोस्तों हम दोनों फ्रेंड्स हैं, हम 22 साल से साथ में हैं, आर्ट फील्ड में काम कर रहे हैं और हमारा सारा एजुकेशन साथ में हुआ है। और आज के व्लॉग का स्पेशल थिंग ये भी है कि हम दोनों साथ में पहला व्लॉग कर रहे हैं। सो गाइस, इसको भर भर के प्यार देना ये ब्लॉग को, और चलो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो इस कलरफुल जर्नी में हमारे साथ बने रहिए। चलिए, थैंक यू गाइस। थैंक यू गाइस, अभी हम लोनावाला पहुंच गए हैं। दोस्तों हम जहांगीर आर्ट गैलरी पहुंच चुके हैं। ये जो डिस्प्ले बोर्ड है यहाँ पे आर्टिस्ट के ब्रोशर्स लगे हैं जिनकी प्रदर्शनी अंदर लगी है और आसपास के गैलरीज में जिन जिन के एग्जीबिशंस लगे हैं पेंटिंग्स के, तो उनके फ्लायर्स लगे हुए हैं यहाँ पे। ये जहांगीर आर्ट गैलरी का एंट्रेंस है, अब हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत शो लगा है, जो ग्रुप शो है। यह गैलरी मुंबई के काला घोड़ा इलाके में स्थित है। कलाकारों के लिए सबसे प्रतिष्ठित आधुनिक जगह मानी जाती है। इस आर्ट गैलरी का निर्माण 1952 में किया गया था। इस गैलरी के लिए जो फंड्स दिए थे वो सर कावस जी जहांगीर इन्होंने दिए थे, तब जाके इस गैलरी का निर्माण हुआ।
इस गैलरी में पेंटर, स्कल्पचर्स, प्रिंट मेकर, क्राफ्ट्समैन, सिरेमिक आर्टिस्ट, फोटोग्राफर्स इत्यादि लोग अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। भारत के विभिन्न भागों से आर्टिस्ट यहाँ प्रदर्शनी लगाने आते हैं। सालों तक इंतजार होता है कि हमारा नंबर अब आएगा। और फिर भी जो आर्टिस्ट है वो उत्सुक रहते हैं इसमें एग्जीबिट करने के लिए। 7 साल ही सही, पर एक बार तो जिंदगी में अपनी जहांगीर में अपनी कला का प्रदर्शन दिखाने का अवसर मिलने के लिए वो तरसते हैं। मैंने भी बहुत इंतजार किया है अपना एग्जीबिशन लगाने के लिए यहाँ पे। इस गैलरी के अंदर 4 मुख्य हॉल है जिनमें एग्जीबिशन लगाया जाता है। इस गैलरी में पूरे साल में कम से कम 300 प्रदर्शनियां लगती है।
आर्ट प्लाजा करके ये जो बाहर की जगह है वहाँ पर भी आर्टिस्ट लोग अपने चित्रों का प्रदर्शन करते हैं। ये भी जगह रेंट से अवेलेबल होती है। अंदर के हॉल से ये बाहर की जगह थोड़ी सी सस्ती होती है। यहाँ पर भी आर्टिस्ट लोग अपना आर्टवर्क डिस्प्ले करते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे मिनिएचर्स लगे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत बारीक बारीक काम किया हुआ है इन सब में। ये कुछ मधुबनी पेंटिंग्स है। इस तरह से हैंगिंग प्लेस दिया हुआ है और आर्टिस्ट अपने आर्टवर्क को इस तरीके से हैंग करते हैं जो रोड के दोनों तरफ आपको दिखाई देंगे।
दोस्तों यही वो जगह है काला घोड़ा, जहाँ पे काला घोड़ा फेस्टिवल होता है, जो काफी लोगों को पता होगा जिनको आर्ट में इंटरेस्ट है। तो यहीं पे वो आर्ट फेस्टिवल लगता है। अब बहुत भूख लगी है और सोच रहे हम कुछ पेट पूजा कर ले। अद्वैत को भी बहुत भूख लगी है। ये हम चेतना होटल में आए हैं अभी और ये इसका एंट्रेंस है। होटल भी एकदम आर्टिस्टिक है, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स लगे आप देख सकते हैं, ऊपर म्यूरल्स लगे हुए हैं। और इस होटल की जो खास बात है, यहाँ पे आपको राजस्थानी फूड, महाराष्ट्रीयन फूड, गुजराती फूड आपको खाने को मिलेगा। हमारा खाना आना शुरू हो चुका है। ये हमें स्टार्टर दिया जा रहा है, ये कुछ छाछ और जीरा वाटर दिया है। मैंने गुजराती थाली ली है, अद्वित ने ये महाराष्ट्रीयन थाली ली है और सुवर्णा ने राजस्थानी थाली ली है। खाना बहुत ही स्वादिष्ट है दोस्तों, एक बार जरूर यहाँ पे विजिट करना। ये मेरी गुजराती थाली, अद्वित को फूड बहुत अच्छा लगा है। इसी होटल के अंदर ये शॉप है जहाँ पे आपको तरह तरह के इंडियन क्लॉथ्स देखने को मिलेंगे, जैसे इकत है, कलमकारी, मुझे जितने नाम पता है मैं ले रही हूँ, जो मैं अभी परचेज भी कर रही हूँ यहाँ से। ये मैं देख रही थी बस, मेरे हाथों को सूट नहीं किया। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत क्लचेस, ये दुपट्टा, बहुत खूबसूरत चीजें ट्रेडिशनल जो इंडिया में बनती है वो इस शॉप में आपको देखने को मिलेंगी। बहुत सारी बुक्स भी हैं। अद्वित ने बुक्स अपने लिए परचेस की है यहाँ से, बहुत ही अच्छी अच्छी बुक्स है, काफी अच्छा कलेक्शंस था यहाँ पे। तो आज इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी दोस्तों। अब हमें जहांगीर आर्ट भी जाना है, वो व्लॉग भी कवर करना है। व्लॉग काफ़ी बड़ा होगा इसलिए हम इसको दो हिस्सों में कर रहे हैं। एक व्लॉग में हमने आपको जहांगीर दिखाया, एक व्लॉग में हम आपको जेजे स्कूल ऑफ आर्ट दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।